वेरी गुड नोन वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन एग्रीकल्चर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का मैं हिना निथानी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तो गाइज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अगेन जुनून में प्लांट पैथोलॉजी लेकिन बेटा आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं प्लांट पैथोलॉजी के साथ साथ आपको एनिमल हस्बेंड्री के भी कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी क्योंकि कल बहुत सारे बच्चे आए थे और मुझे कह रहे थे कि मैम आपने कहा था कि आप एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन भी करवाऊंगी तो बेटा आज के क्वेश्चन जो है ना मिक्स है ठीक है तो आज हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसलिए आपको पूरे सेशन में बने रहना है जितने भी बच्चे हैं और यार साथ साथ में बाकी बच्चों को भी क्लास शेयर कर दो जितने भी आपके साथ के बच्चे जो प्रिपरेशन करें ताकि उन तक भी ये क्लास पहुंच सके तो चलिए बच्चों जल्दी से शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन वेरी गुड नोन शैलेंद्र निहारिका ज्योति मनीष मृत्युंजय शिवी वेरी गुड नून वेरी गुड आफ्टरनून गाइस वेरी गुड आफ्टरनून दान सिंह हाँ जी वेरी गुड आफ्टरनून मनीष वेलकम इन द सेशन गाइस तो चलिए जल्दी से हमारा आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों जुनून का ताकि हम लोग अपने बहुत सारे क्वेश्चंस को प्यारे प्यारे क्वेश्चंस को जल्दी से स्टार्ट कर सकें है ना मिक्स ऑलवेज टेस्टी अच्छा अच्छा मृत्युंजय कह रहे हैं मिक्स ऑलवेज टेस्टी हाँ यार बिल्कुल होता है ठीक है मिक्स सारी चीज़ टेस्टी होती है तो बेटा इसी के साथ साथ आप अड्डा ट्वेंटी के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो जिसका

कलेक्टिव ट्राई कम करेगा या फिर मेरे बच्चों ऑल ऑफ दीज होगा तो राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा फटाफट से आंसर करो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बेटा विस्कर रॉट का इंफेक्शन आपसे पूछ रहा है कि विस्कर रॉट का इन्फेक्शन कौन सा पैथोजन कॉज करता है ठीक है मृत्युंजय का आंसर सबसे पहले आया है ए वेरी गुड आफ्टरनून पूजा पासवान भी आ गई हैं ओके वेरी गुड तो बच्चों फटाफट से आंसर कीजिए बेटा राइट आंसर क्या होगा निहारिका का आंसर आया है सी ठीक है मनीष का भी आंसर आया है सी ठीक है बाकी बच्चे फटाफट से आंसर करो अच्छा शिवी पाठक भी आ गए हैं ओके बी आंसर किया है ठीक है जगदीश कुमार स्टूडेंट वेरी गुड आफ्टरनून बेटा वेलकम इन द सेशन प्रिया खुशी पटेल अच्छा ये बच्चे कह रहे हैं सी और बी आंसर होगा तो चलिए बच्चों फटाफट से देख लेते हैं आज के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हाँ जी गजानन आ, कह रहे हैं ए आंसर होगा दशान दान सिंह का आंसर आया है ए ठीक है तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राइजोपस स्टोर लोनीफर क्या हो जाएगा बेटा राइजोपस स्टोलोनिफर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चा लोग पहले सबसे पहले ये चीज देख लीजिए कि विस्कर रॉट डिजीज विस्कर रॉट डिजीज जो है बेटा ये एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन होता है मेरे बच्चों कैसा इंफेक्शन होता है बेटा इन्फेक्शन होता है कि कवक के द्वारा होने वाला रोग है ठीक है अब इसमें देखो इसमें तो हमारे पास सबसे ज्यादा मुश्किल ये है कि सारे कवक हैं ठीक है ठीके? सारे कवक हैं अच्छा एम अखिल ओके अच्छा अच्छा गजाना ने अपने दो दो नाम रखे ओके 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 Um, Ma'am, what is etiological agent? What topic should I covered in this? Etiological agents are basically those agents which can cause infection. Okay, those uh, we can say that those are etiological agent, and in and each class I already covered the so many causal agent. So those are actually the etiological agent. We can say that okay.

गणेश भगवान का नाम है चलो आगे चलते हैं बेटा तो विस्कर रॉट डिजीज की बात करते हैं तो विस्कर रॉट डिजीज जो है बेटा ये बेसिकली एक इन्फेक्शन होता है जो कि फंगल इन्फेक्शन है अब बात ये है कि हमारे पास यहाँ सारे फंगस हैं भाई राजोपस हमारे पास क्या है फंगल इन्फेक्शन कॉज करता है फाइटोफोरा फंगल इन्फेक्शन कॉज करता है ऑल ऑफ कोलेट्रोटाइकम फंगल इन्फेक्शन कॉज करता है लेकिन यहाँ पर हमारे डैम्पिंग ऑफ के या फिर जितने भी हमारे ये इन्फेक्शन है ये फाइटोफोरा कॉज करता है और एंथ्रिकनोज के इन्फेक्शन कोलेट्रोटाइकम करता है ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास जो अलग सा इन्फेक्शन है वो कौन सा है सॉरी अलग सा पैथोजन है राइजोपस और राइजोपस ही यहाँ पर क्या करेगा बेटा विस्कर बिटाविस्करॉट का इन्फेक्शन कॉज करेगा अब देखो इस टाइप का इन्फेक्शन कभी आपने देखा पीच में पीच में देखा आड़ू में देखा कभी इस तरीके का इन्फेक्शन पीच आप लोग पढ़ते हो ना हॉर्टिकल्चर में तो इस तरीके का इन्फेक्शन आपने देखा होगा बेटा ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है कॉटनी ग्रोथ भी दिखाई देती है जैसे बाल बाल टाइप ना ऐसा कुछ दिखाई देता है तो इसको बोला जाता है बेटा विस्कर रॉट अच्छा मैम ये मेरा मोबाइल खराब हो गया है पापा की डिवाइस से अच्छा अरे यार वेरी गुड गजानन का डेडिकेशन देखो अपना फोन खराब हो गया तो अपने पापा के फोन से क्लास करें वेरी नाइस अः पेनिसिलियम भी करता है शायद बेटा इस विस्कर रॉट का जो इन्फेक्शन है मेजरली पेनिसिलियम जो है वो मोल्ड के इन्फेक्शन कॉज करता है जैसे ग्रीन मोल्ड देख लो ब्लू मोल्ड देख लो तो मोल्ड वाले जो इन्फेक्शन है ना वो आप पेनिसिलियम में पढ़ते हो ठीक है उसमें पेनिसिलियम आता है ये विस्कर रॉड का इन्फेक्शन है और इस इन्फेक्शन को राइजोपस स्टोलोनी कॉज करता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस टाइप का इन्फेक्शन है ठीक है चलो अब आगे चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन है आपका स्ट्रीक वायरस डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाई बेटा स्ट्रीक वायरस डिजीज जो है उसको ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है उसको फैलाने का काम कौन करता है उसको फैलाने का काम हमारे बक्स करते हैं या फिर उसको फैलाने का काम हमारे एफर्ट्स करते हैं या फिर लीफ हॉपर करेंगे या नन ऑफ दीज होगा तो बच्चे लोग फटाफट से बता दो बेटा राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन में स्ट्रीक वायरस डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय भाई स्ट्रीक वायरस डिजीज जो है उसको ट्रांसमिट करने का काम कौन करेगा उसको फैलाने का काम कौन करेगा सीधी सी बात है वायरस इन्फेक्शन है तो फैलाने के लिए कोई ना कोई तो होगा अब स्ट्रीक वायरस बहुत सारी क्रॉप्स में होता है ना जैसे बनाना तो बेटा का अच्छा। आया है, ओके। का आया है पूजा पासवान का भी बी आंसर आया है लीजा भी आ गई हैं ओके बी आंसर किया है इन्होंने गजानन बक्स ठीक है राहुल खुशी अच्छा ये बच्चे कह रहे हैं कि बक्स आंसर होगा ओके एफ्स वीट में ओके ठीक है प्रिया का आंसर आया है बी शिवी पाठक का आंसर आया है एफेट्स पीयूष का आंसर आया है बी ठीक है ओके 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 ज्यादातर बच्चे एफर्ट्स कह रहे हैं अच्छा बेटा मैं आपको एक चीज बता देती हूँ अलग अलग क्रॉप में स्ट्रीक वायरस का जो इन्फेक्शन है ना अलग अलग ट्रांसमिट करता है ठीक है तो अगर हम बात करते हैं वीट्स वीट, वीट वगैरह की तो इनमें जनरली कौन करेगा बेटा एफर्ट्स करेंगे और अगर मैं मेज में बात करूं बेटा अगर मैं मेज की क्रॉप में बात करूं तो मैंने यहां पर मेज के रेफरेंस में लिया है तो इसमें लीफ ऑपर भी करेगा ठीक है तो स्ट्रीक वायरल डिजीज की बात करें बेटा तो अगर मैं मेज के रेफरेंस में बात करूं तो इसमें लीफ ऑपर करेगा लेकिन अगर मैं बाकी क्रॉप जैसे वीट स्ट्रीक की हम बात करें तो उसमें जनरली क्या करते हैं स्प्रेड करने का काम कर सकते हैं ठीक है बेटा ओके चलिए अब आगे चलते हैं अच्छा आज आकाश मौर्य भी आए हैं ओके तो बेटा यहाँ पर आप इसे इसका पिक्चर देख सकते हो स्ट्रीक का ठीक है वैसे जनरली अगर आप बनाना में देखोगे तो इस टाइप की स्ट्रीक्स आपको दिखाई देती है पत्तियों में ठीक है लीव्स में इस तरह की स्ट्रीक्स आपको दिखाई देती है जिसको आप क्या बोलते हो स्ट्रीक वायरल डिजीज क्या बोलोगे बेटा स्ट्रीक वायरल डिजीज भी बोलोगे आप इसको ठीक है हाँ ज्यादातर बच्चों ने बी ही आंसर किया ओके चलो अब आगे चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन है आपका फ्रूट नेक्रोसिस इन आंवला अकर्स इन तो आंवला में फलों का परिगन आ, परिगलन किसके कारण होता है बोरोन डेफिशिएंसी या फिर मोलिब्डेनम डेफिशिएंसी बोथ या फिर नन ऑफ दीज बताइए बेटा राइट आंसर क्या होगा मैम मेज लिखना था हाँ यार वो एक्चुअली छूट गया ना मैंने मैंने डायरेक्टली स्टीक वायरस ही लिख दिया डायरेक्टली मेज लिखना में भूल गई चलो कोई नहीं अलग अलग के रेफरेंस में अलग अलग होता है ठीक है चलो तो ध्यान रखना आप इस चीज को कि अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा है कि स्ट्रिक डिजीज इस क्रॉप का है वैसे वो स्पेसिफिकली ही पूछेगा तो उस तरीके से हमें वहां पर आंसर करना है ठीक है वेरी गुड सुधीर कुमार अच्छा ये मैं पहली बार देख रही हूँ उनको सेशन में बोरोन आस्था जुगरान का भी आंसर आया है बोरोन जगदीश निहारिका शिवी गजानन अजय राहुल लीजा पूजा मृत्युंजय शिवी मनीष पुलकित हाँ जी अच्छा पुलकित भी आ गए हैं ओके वेरी गुड आफ्टरनून पुलकित प्रिया शिवी आ, कौशल पूजा ओके okay. गजानन हंड्रेड परसेंट बोरोन बिल्कुल बेटा बोरोन राइट आंसर हो जाएगा ठीक है बोरोन राइट आंसर हो जाएगा तो अगर हम फ्रूट नेक्रोसिस की बात करते हैं नेक्रोसिस नेक्रोसिस क्या होता है, होता है है बेटा टिश्यूज का ब्रेक डाउन यानी कि टिश्यूज का टूटना तो जब भी टिश्यूज का ब्रेक डाउन होता है उस प्रोसेस को हम नेक्रोसिस बोलते हैं बेटा और जब ये प्रोसेस फ्रूट में होता है आंवला में होता है तो इसे क्या वे? ये बेसिकली जो ये प्रोसेस है ये बोरोन की डेफिशेंसी की वजह से होता है अच्छा बोनी झांसी भी आ गए हैं ओके हाँ वेरी गुड आफ्टरनून पुलकित बेटा आप इतने दिन से बोल रहे थे मैम एनिमल हसबंडरी के क्वेश्चन नहीं है तो आज मैंने मिक्स क्वेश्चन रखे हैं ठीक है थीके? तो इसीलिए आपको एंडिंग तक सेशन में रहना है ताकि आप एनिमल हसबंडरी के क्वेश्चंस भी कर सको हां जी वेरी गुड आफ्टरनून हर्षित नेहा वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों वेलकम इन द सेशन चलिए अब आगे चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन है पियर्स डिजीज अकर्स इन विच क्रॉप तो बेटा पीयर्स डिजीज कौन सी क्रॉप में होती है फटाफट से मुझे बता दो ग्रेप्स में होगी यानी कि अंगूर में होगी मैंगो यानी कि आम में होगी बनाना यानी कि केले में होगी गुआवा यानी कि अमरूद में होगी तो बच्चे लोग फटाफट से बता दो राइट आंसर क्या होगा और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा बहुत ही अच्छा सेशन है तो आप सभी को ज्यादा से ज्यादा सेशन से को शेयर करना है और या लाइक तो तुम लोग करते ही नहीं हो फटाफट से लाइक भी कर लो सेशन को है चलो बताओ बेटा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा गजानन का आंसर आया है ए ठीक है आ, लीजा का आंसर आया है ए ठीक है सुधीर आ, निहारिका शिवी सोनेहा पूजा आस्था जगदीश राहुल सौरभ सिंह ओके प्रिया आ, दान सिंह ओके हंड्रेड परसेंट ग्रेप होगा ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं ग्रेप्स आंसर होगा ओके ग्रेपसी ग्रेप्सी लिख दिया मृत्युंजय ने वाह ग्रेप्स का ग्रेप्सी कर दिया है Uh, पूजा uh, एग्जाम गाइड uh, पुलकित ओके 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 ज़्यादातर बच्चे कह रहे हैं कि ग्रेप्स आंसर होगा डेफिनेटली बेटा राइट आंसर हो जाएगा ग्रेप्स और इसको जयलीलीला फ़ास्टिडियो फ़ास्टिडियो सा कॉज करता है ठीक है तो ऐलीला इसके लिए आपका कॉजल ऑर्गेनिज्म हो जाएगा और इस तरह का इन्फेक्शन यहाँ पर होता है तो पियर्स डिजीज जो है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन है ग्रेप्स में देखा जाता है ठीक है और बेटा कुछ इस तरीके के पैचेस आपको यहाँ पर देखे जाए देखने को मिलेंगे ग्रेप्स की लीव्स में आप कुछ इस टाइप के पैचेस देखते हो ब्राउनिश कलर के पैचेस काइंड ऑफ आप यहां पर देखते हो हां बेटा बिल्कुल पक्का पक्का ग्रेप्स है ठीक है मैम बारिश आ रही थी इसलिए लेट हो गया कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं थोड़ी बहुत लेट चलती है और वैसे भी आप रिकॉर्डेड देख सकते हो बाद में ऐसा कुछ नहीं है जब सेशन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप आगे के क्वेश्चन देख सकते हो है ना चलो हाँ 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 क्वेश्चन आकर जितने बच्चे ये आंसर करें उनका आंसर बिल्कुल सही है चलो आगे चलते हैं बेटा विल्ट डिजीज इन पाइन इस पाइन एप्पल कॉज वाई विल्ट डिजीज जो है बेटा पाइन एप्पल में उसको कौन कॉज करता है फटाफट से बता दो बच्चों राइट आंसर क्या होगा वायरस करेंगे बैक्टीरिया करेंगे या फिर बोथ या नन ऑफ दीज बताओ बेटा राइट आंसर क्या होगा विल्ट डिजीज इन पाइन एप्पल पाइन एप्पल में बेटा विल्ट डिजीज कौन कॉज करेगा जल्दी से बता दो बच्चो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बेटा जल्दी से बता दो तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा विल्ट डिजीज कौन कॉज करेगा बताओ बच्चों फटाफट से बताओ बच्चों विल्ट डिजीज यहाँ पर कौन कॉज करेगा बताइए निहारिका का आंसर आया है बी ठीक है नेहा सोनी का भी आंसर आया है बी ओके गजानन लीजा जगदीश शिवी मनीष खुशी सौरभ सुमित ओके 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 ज्यादातर बच्चे बी आंसर करें ओके ठीक है तो बेटा ये बेसिकली एम्पिलो वायरस कॉज करता है वायरल इन्फेक्शन है ठीक है वायरल इन्फेक्शन है हाँ वायरस विल्ट करता है मैम जी हाँ जी बेटा बिल्कुल वायरल इन्फेक्शन है ये ठीक है तो बेटा यहाँ पर अगर हम देखें तो पाइन में जो विल्टिंग का इन्फेक्शन है एम्पिलो वायरस करता है और ये बेसिकली क्या करता है ये जो मिली बग है बेसिकली इसको ट्रांसमिट करने का काम करता है ठीक है इसको ट्रांसमिट करने का काम करता है चलो आगे चलते हैं ग्रीन शील्ड स्केल डिजीज अकज इन तो बेटा ग्रीन शील्ड स्केल डिजीज जो है बेसिकली वो कौन सी क्रॉप में होती है आपको ये बताना है ग्रेप्स मैंगो गोवा एंड एप्पल शील्ड स्केल डिजीज ग्रीन शील्ड स्केल डिजीज।, डिजीज कौन सी क्रॉप में होती है बेटा जल्दी से बता दो शील्ड स्केल डिजीज सभी बच्चे आंसर दो हाँ मनीष कह रहे हैं सभी बच्चे आंसर दो हाँ भाई सारे बच्चे आंसर दो जितने बच्चे सेशन में सारे बच्चे आंसर दिया करो है ना चलो बताओ बेटा राइट आंसर क्या होगा एप्पल आया है निहारिका का खुशी का आंसर आया है ए ठीक है बाकी बच्चे बताओ बेटा ग्रीन शील्ड स्केल डिजीज आप कौन सी क्रॉप में देखते हो नेहा का आंसर आया है डी ठीक है वेरी गुड सुमित का भी आंसर आया है ए ठीक है मृत्यय नाइस क्वेश्चन अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ग्रीन शील्ड डिजीज ओके आंसर दो फिर जल्दी से अगर अच्छा क्वेश्चन लग रहा तो ओके okay. एग्जाम गाइड बी आंसर होगा ठीक है सुधीर एप्पल अच्छा एप्पल बना के दे दिया वाह जगदीश का आंसर आया है एप्पल गजानन का आंसर आया है डी ठीक है ग्रेप्स हो सकता है इसका पुलकित ओके ठीक है कंसीडर कर लिया मैंने आपका आंसर सुमित पूजा कौशल बोनी झांसी डी ओके शिविर पाठक का आंसर आया है गुआवा दान सिंह और प्रिया कह रहे हैं डी और सी आंसर होगा ओके बेटा देख लेते हैं गजानन एप्पल होगा तो चलो बेटा देख लेते हैं ग्रीन शील्ड जो है बेटा ये बेसिकली फ्लोएम जनरेटेड फ्लोएम में इन्फेक्शन कॉज करता है ये ठीक है और ये इन्फेक्शन मेजरली अगर आप देखोगे बेटा तो इस इन्फेक्शन में ज़्यादातर क्या होता है कि जो लिविंग पार्ट होता है ठीक है जो लिविंग पार्ट होता है आपका वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है ठीक है ये जो लिविंग पार्ट अफेक्ट ये लिविंग पार्ट को अफेक्ट करता है ठीक है और इसमें क्या होता है बेटा कि आ, जो आ, आपका जैसे फूड ट्रांसपोर्टेशन वाला जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीटली रुक जाता है मतलब फूड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं होता है ठीक है तो इसमें अगर हम बात करें बेटा तो जो फूड ट्रांसपोर्टेशन होता है बेसिकली वो रुक जाता है तो इसमें क्या होता है कि जो यंग स्टेम है होस्ट प्लांट के ठीक है यंग स्टेम है वो धीरे 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 खराब होने लगते हैं ठीक है लीव्स तो लीव्स में ज़्यादातर ये इसका जो पैथोजन है ज्यादातर लीव्स में प्रेजेंट होता है तो वहां से वो क्या करता है तुरंत उसको ब्लॉक कर देता है और तुरंत ब्लॉक करने के बाद फिर उसके बाद फूड का ट्रांसपोर्ट ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता और जब फूड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता तो अल्टीमेटली प्लांट को एनर्जी नहीं मिलती और जब प्लांट को एनर्जी नहीं मिलती तो अल्टीमेटली क्या होता है बेटा अल्टीमेटली फूड आपका ये ट्रांसफर नहीं होने की वजह से प्लांट में जल्दी विल्टिंग या डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं ठीक है या वो सूखना शुरू कर देता है ठीक हाँ, है हाँ एप्पल ओके ठीक है चलो आगे चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन है आपका ये देखिए ये ग्रीन शील्ड का इंफेक्शन कुछ इस तरीके से होता है देख रहे हो इसको आप एक बार आइडेंटिफाई कर लो बेटा इसको आप एक बार आइडेंटिफाई कर दो जल्दी से इस तरीके का, का ग्रीन, ग्रीन शील्ड का इन्फेक्शन होता है बेटा ठीक है ग्रीन शील्ड का इन्फेक्शन अगर आप देखोगे बेटा तो इस जनरली इस तरीके का होता है ठीक है देख लीजिए इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए ठीक है चलो अब आगे चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन है आपका लिटिल लीफ डिजीज इन लीची कॉज बाई लीची में छोटे पत्ते का रोग किसके कारण होता है चलो बताओ जल्दी से बेटा बिता. जल्दी बताओ बेटा बिता. राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर क्या होगा बेटा बिता? जल्दी बता दो मुझे बताओ बच्चों जल्दी से बता दो <coughs> ए ज्यादातर बच्चे ए आंसर करें ए ए ए ए ठीक है कैल्शियम डेफिशिएंसी कैल्शियम अच्छा कैल्शियम भी आंसर में आया है जिंक भी आंसर में आया है दोनों आंसर में आए जिंक और कैल्शियम जिंक और कैल्शियम ठीक है तो बेटा जितने भी बच्चे अच्छा बोरोन भी आंसर में आया है बोरोन ठीक है ठीक है ठीक है किसको कॉन्फिडेंस है कि उसका आंसर बिल्कुल सही है जिंक बोरोन और कैल्शियम तीनों ऑप्शन में आया आप मुझे ये बताओ कि किसको बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि मेरा आंसर बिल्कुल सही है ये बताओ जल्दी बता दो बेटा जल्दी बता दो कौन से बच्चे को बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि इसका आंसर सही है आधिराज अच्छा आधिराज पटेल वाह जिंक ओके 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 जिंक हंड्रेड परसेंट जिंक बिल्कुल बेटा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जिंक ठीक है जिंक तो अगर आप लीची में कभी भी देखोगे लिटिल लीफ ठीक है लिटिल लीफ अगर आप लीची में देखते हो बेटा तो ये इन, ये बेसिकली एक टाइप का डिसऑर्डर होता है जो जिंक की डेफिशिएंसी से देखा जाता है ठीक है हाँ तो जितने बच्चे जिंक आंसर करें उनका आंसर बिल्कुल सही है नृतिन जी आंसर सही है हाँ बिल्कुल बिल्कुल जिंक जितने बच्चों ने आंसर किया उनका आंसर बिल्कुल सही है हाँ हंड्रेड परसेंट बिल्कुल सुधीर गजानन बिल्कुल बेटा जितने बच्चे जिंक आंसर किए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है ठीक है देसी जॉनी सेंस हाँ बेटा बिल्कुल जिंक वाले बच्चे सही है चलो आगे चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ दी फॉलोइंग इज माइनर इन्फेक्शन ऑफ मेज बेटा आपको ये बताना है कि मेज का इनमें से बेटा देखो लिटिल लीफ इन मैंगो बेटा देखो लिटिल लीफ के जितने भी इन्फेक्शन है अगर आप लिटिल लीफ मैंगो में देख रहे हो अगर आप लिटिल लीफ लीची में देख रहे हो ठीक है ये लिटिल लीफ के जितने भी आपके इन्फेक्शन देख रहे हो ये जिंक की वजह से होता है ठीक है सारे इन्फेक्शन जिंक की वजह से होते हैं अगर आप मैंगो uh, में देख लो लीची में देख लो ये जनरली uh, ये जनरली uh, आपके जिंक से ही होता है ठीक है चलो अब आगे uh, अगला क्वेश्चन uh, बताओ बेटा अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ Uh, मैम uh, मेरा जिंक था अच्छा अच्छा आकाश मौर्या बिल्कुल सही आंसर किया बेटा जिंक आंसर किया तो ठीक है uh, DM, अच्छा डाउन वीडियो के लिए uh, शॉर्ट फॉर्म डीएम अच्छा बेटा देखो बिल्कुल ध्यान से आंसर करना मैं पहले ही आप लोगों को अवेयर कर रही हूँ कि आंसर बिल्कुल ध्यान से और देख करके करना क्वेश्चन उससे क्या पूछा है ये देख लो ठीक है uh, हाँ देखो विच ऑफ फॉलोइंग अरे यार, एक मिनट विच ऑफ दी फॉलोइंग इज माइनर डिजीज ऑफ मेज तो ध्यान से देख लेना पहले फिर उसके बाद ही आंसर करना पहला ऑप्शन दिया उसने है डाउनी मिडियो दूसरा ऑप्शन दिया आपको चारकोल तीसरा ऑप्शन दिया है स्मट और चौथा ऑप्शन दिया है मेज तो बिल्कुल ध्यान से और सोच समझ के आंसर करना ठीक है शिवी पाठक का आंसर आया है मोजैक ठीक है ओके ज्योति का आंसर आया है बी ठीक है ओके कौन क्या आंसर किया चारकोल डॉट ओके बताओ बेटा माइनर इंफेक्शन पूछा है दिस सिंस कह रहे हैं डी आंसर होगा ओके ठीक है ठीक है ठीक है बाकी पीछे बताओ बेटा राइट आंसर क्या होगा हाँ मेजर डिजीज है मेजर uh, डिजीज है डाउन ओके ओके अच्छा हाँ चारकोल तो होगा नहीं चारकोल नहीं होगा अच्छा ठीक है बाकी फिर कौन सा होगा राहुल का आंसर आया है ए होगा प्रिया का भी आंसर आया है बी होगा शिविका का आंसर आया है चारकोल रॉट बेटा माइनर पूछ रहा है बच्चे माइनर पूछ रहा है आपसे ठीक है ध्यान दो सुधीर का आंसर आया है चारकोल रॉट ओके शिवी पाठक का भी आंसर आया है बी सुमित डांसिंग ज्योति हाँ बेटा मैं तो बता ही रही हूं देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा उसने आपसे क्वेश्चन पूछा है माइनर डिजीज तो मेरे बच्चों डाउनी विडियो मेजर डिजीज होता है डाउनी विडियो मेज का मेजर डिजीज होता है बेटा दूसरा चारकोल रॉट मैक्रोफोमिना मेजर डिजीज होता है सौरघा मेज इनमें जब भी चारकोल रॉट के बारे में पढ़ते हो ये हमेशा क्या होता है मेजर डिजीज होता है स्मट का इन्फेक्शन देख लो स्मट का स्मशन भी तो मेजर ही पढ़ते हो लेकिन मोजैक का मेजर नहीं होता है बेटा मोजैक का इन्फेक्शन कभी भी आप इसमें मेजर नहीं पढ़ते हो तो नलाइको गलत हो गए सारे कुछ ही बच्चे सही बोले हाँ एक दो बच्चे सही बोले हैं ठीक है हाँ तो बेटा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मुजाक अगर हम बात करेंगे माइनर डिजीज की ठीक है अगर हम बात करेंगे माइनर डिजीज की तो माइनर डिजीज क्या आ जाएगा हाँ, मेजर इन्फेक्ट हाँ, ग्रेप्स में ग्रेप्स मेजर इन्फेक्शन है लेकिन मेज के भी मेजर इन्फेक्शन में आता है बेटा ठीक है लेकिन मोजैक कभी भी आप इसके मेजर इन्फेक्शन में नहीं देखोगे ये आप हमेशा देखोगे बच्चों माइनर इन्फेक्शन में ठीक है हाँ हे प्रभु रक्षा करो बिल्कुल रक्षा करो इनकी ये नलायक सारे आंसर गलत करें ठीक है तो ये देखिए बेटा ये आप एक एक करके सारे इन्फेक्शन देख सकते हो ये डाउनी मिड्यू का इन्फेक्शन है मेज का ये चारकोल रॉट का इन्फेक्शन है मेज का ये स्मट का इन्फेक्शन है मेज का और ये मुजैक का इन्फेक्शन है ठीक है तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये डाउनी मिड्यू है ठीक है ये चारकोल रॉट का इन्फेक्शन है ये स्मट का इन्फेक्शन है हेड स्मट जिसको आप बोलते हो ठीक है और ये है आपका मोजैक का इन्फेक्शन तो हाँ, तो अरे मैम सही आंसर दिया था हाँ शिवी ने आंसर सही किया था बाद में आई थिंक गलत कर दिया था माइनर डिजीज मोजैक डिजीज है हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलो अब यहाँ पर आपका जितने बच्चों ने आंसर किया है मोजैक उनका आंसर बिल्कुल सही है ठीक है आ, थोड़ा कंफ्यूज था अच्छा मोजैक बेटा देखो माइनर डिजीज है तभी तो हम उसको ज्यादा नहीं पढ़ते हैं आप मेज़ में दूसरे इन्फेक्शन ज्यादातर पढ़ते हो मेज़ में मोजैक जो है वो माइनर है इसीलिए ज्यादातर हम उसको स्टडी नहीं करते ठीक है चलो अब आगे चलते हैं

कई बार अगर सडन उससे क्वेश्चन पूछ है आपसे कि कहाँ पर आ, कौन सी माइनर होगी कौन सी मेजर है तो वहाँ पर आपको ये चीज़ हेल्प करती है ठीक है चलो अब बताओ बेटा जल्दी से मुझे कि कौन सी ब्रीड है जो मालधारी नोमेट से रिलेटेड है फटाफट से बता दो बच्चों राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर मनीष का आंसर सबसे पहले आया है ए आंसर किया है ओके वेरी गुड चलो बाकी बच्चे भी आंसर करो आ, निहारिका का आंसर आया है सी ठीक है बाकी बच्चे बताओ बेटा नेहा सोनी का भी आंसर आया है सी गजानन सुमित सी आंसर करें दोनों ठीक है जगदीश का भी आंसर आया है ए दानसिंह का आंसर आया है ए ठीक है खुशी पटेल अभी सोच रही हैं ओके ठीक है okay, अजय का भी आंसर आया है सी ठीक है अच्छा मैम टोबैको में भी मोजैक वायरस हाँ बेटा टोबैको में मोजैक वायरस होता है लेकिन उसका मोजैक वायरस मेजर डिजीज में आता है ठीक है मोजैक बहुत सारी क्रॉप्स में आप देखोगे काउपी में देखोगे रेड ग्राम में देखोगे बहुत सारी पल्स में आप मोजैक देखोगे ठीक है लेकिन किसी में मेजर होता है किसी में माइनर इन्फेक्शन होता है तो टोबैको में उसको मेजर इन्फेक्शन कंसिडर करते हैं ठीक है रितिका का ऋतिक का आंसर आया है नीली रावी मृत्युंजय का आंसर आया है डी सुधीर का आंसर आया है सी अरे निर्लायकों कुछ बच्चों ने गलत आंसर किया बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा जाफरावादी क्या हो जाएगा बेटा जाफरावादी आंसर हो जाएगा तो देखो मालधारी जो नोमेट्स है बेटा मालधारी नोमेट्स जो हैं ये हैं गुजरात में और ये पालते हैं जाफरावादी ब्रीड को किसको पालते हैं बेटा जाफरावादी ब्रीड को पालते हैं ये लोग ठीक है इसके अलावा दूसरी ब्रीड क्या थी हमारी सूरती थी सूरती का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है बच्चे तो सूरती का इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि उसके सिकल शेप्ड हॉन्स होते हैं कैसे होते हैं बेटा सिकल शेप्ड हॉन्स होते हैं और दूसरी बात ये गुजरात की ही ब्रीड है कहाँ की है बेटा गुजरात की ही ब्रीड है नीली रावी इसकी वॉल आइज होती है और बेटा ये मॉउ गोबेरी पाकिस्तान में देखी जाती है इसके अलावा बेटा महसाना ब्रीड की बात करें तो ये ये महसाना जो है मुर्रा और सूरती का क्रॉस है और ये भी ज्यादातर हमारी गुजरात वाले रीजन में देखी जाती है कहाँ पर देखी जाती है बेटा गुजरात वाले रीजन में देखी जाती है तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एक एक करके अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते रहो ठीक है चलो और नोट भी करते रहो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दी फॉलोइंग ब्रीड ऑफ बफेलो कंटेन हाईएस्ट फैट कंटेंट आपको ये बताना है कि हाईएस्ट फैट कंटेंट कौन सी बफेलो में आप देखोगे मुर्रा भादावरी नागापुरी एंड टोडा अब जल्दी से बता दो बच्चों। हाँ गुजरात बिल्कुल बिल्कुल अब बताओ बेटा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बफे सॉरी कौन सी बफेलो के मिल्क में फैट कंटेंट सबसे ज्यादा होता है जल्दी बता दो बेटा राइट आंसर क्या होगा हम्म मृत्युंजय का आंसर आया है बी ठीक है बोनी झांसी और लीजा दोनों आंसर कर रहे हैं बी राइट आंसर होगा ओके शिवी पाठक का भी आंसर आया है बी ठीक है फटाफट -फट आंसर करना है बेटा लेट में आंसर नहीं करना पूजा पासवान नेहा ज्योति मुर्रा अच्छा बी आंसर कर रहे हैं कुछ बच्चे जगदीश शिवी पाठक निहारिका अभय गजानन आ, खुशी आ, सुधीर जगदीश मनीष ज्योति ये सारे बच्चे कह रहे हैं बी आंसर होगा हाँ देसी जॉनी कह रहे हैं भादावरी होगा प्रिया का भी आंसर आया है भादावरी तो देखो बेटा अगर हम मैक्सिमम फैट कंटेंट की बात करते हैं बेटा तो मैक्सिमम फैट कंटेंट जो है भादावरी बफेलो में देखने को मिलता है जो तांबे के रंग की होती है कैसी होती है बेटा बोलते हैं ना तांबे जैसा रंग है तेरा है ना तांबे जैसा रंग है तेरा तो इसका कॉपर कलर होता है कैसा होता है बेटा कॉपर कलर की बफेलो होती है ये कैसी भैंस होती है कॉपर कलर की यानी कि तांबे के रंग की भैंस होती है ये जनरली और इस ब्रीड का बेटा फैट इसमें फैट कंटेंट जो है वो लगभग तेरह प्रतिशत तक होता है तो बाकी ब्रीड से कई ज्यादा फैट कंटेंट इसमें देखा जाता है ठीक है अब देखो बेटा मुर्रा ब्रीड जो है मुर्रा में कितना होता है सेवन पॉइंट एट फाइव परसेंट होता है इसका ओरिजिन प्लेस है बेटा दिल्ली और पंजाब इसको दिल्ली काली कुंडी भी बोला जाता है क्या बोला जाता है बेटा दिल्ली काली कुंडी भी इसको बोला जाता है ठीक है अब देखो इसके बाद भादावरी है भादावरी में थर्टीन परसेंट होता है कॉपर कलर की होती है और इटावा में मिलती है आगरा में ठीक है अब देखो बेटा तीसरी है नागापुरी नागापुरी जो ब्रीड है बच्चों ये ब्रीड जो है स्वाड लाइक हॉन्स रखती है और महाराष्ट्र की है कैसी है बेटा महाराष्ट्र के और स्वाड लाइक हॉन्स होते हैं तलवार के जैसे सिंग होते हैं इसके टोडा की बात करें तो टोडा हमारी सेमी वाइल्ड है ठीक है जंगली ब्रीड लगती है ये ठीक है सोने जैसा रंग है तेरा हाँ तांबे जैसा रंग है तेरा ठीक है वो मैंने भादावरी के लिए बोला सोने जैसा रंग तो वो तो गाना है सोने जैसा रंग है तेरा ठीक है हाँ कॉपर कलर है हर बफेलो काली लगती है मुझे तो अरे यही तो बात है इंडिया की सारी बफेलो ज्यादातर ब्लैक होती है लेकिन सूरती और अगर आप भदावरी देखोगे ना इनके कलर डिफरेंट होते हैं सूरती का जो कलर होता है वो एश ग्रे कलर होता है ठीक है और जो अगर आप देखोगे ये भदावरी तो उसका कॉपर कलर होता है बाकी सारी प्योर ब्लैक होती है मुर्रा देख लो जेड ब्लैक कलर होता है उसको बोलते ही काली है डेली काली कुंडी उसको बोलते हैं ठीक है तो ज्यादातर बफेलोज आपको ब्लैक कलर की ही दिखाई देती है इंडिया में ओके चलो आगे चलते हैं कलर ऑफ बफेलो मिल्क इज वाइट ड्यू टू विच वन ऑफ दी फॉलोइंग आपको ये बताना है कि बफेलो मिल्क का जो कलर है वो वाइट किसकी कौन से पिगमेंट की वजह से होता है <coughs> सॉरी कैल्शियम कैशियोनेट बीटा कैरेटिन केसिन या फिर ऑल ऑफ दी दब जल्दी से बता दो बच्चों राइट आंसर क्या होगा बचपन में बैठा था पीठ पे अच्छा अच्छा बचपन में भैंस की सवारी करी थी अरे वाह ओके आ, खुशी का आंसर आया है भदावरी ठीक है तमिलनाडु में टोडा नाम की ब्रीड आ, न, ब्रीड टोडा नाम की जाति होती है हम्म हाँ टोडा जो टोडा ब्रीड है इसके नोमेट्स होते हैं नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं वो ज़्यादातर नीलगिरी हिल्स ही, इसका नीलगिरी जो पहाड़ है वहाँ पर इसका ओरिजिन प्लेस है टोडा का ना वहाँ पर ही रहती है ठीक है पुलकित लीजा सुधीर आ, बोनी झांसी शिवी गजानन मनीष सुमित ज्योति खुशी सुमित वेरी गुड वेरी गुड अजय पुलकित ऋतिक अच्छा कुछ बच्चे सी कर रहे हैं कुछ बच्चे डी आंसर कर रहे हैं तो देखो बेटा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कैसीनेट क्या हो जाएगा बेटा कैल्शियम कैसीनेट ठीक है uh, कैल्शियम कैसीनेट जो है बेसिकली ये आपका ऐसा पिगमेंट होता है जिसकी वजह से बफेलो मिल्क का जो कलर है वो व्हाइट होता है बेटा बीटा कैरेटीन पिगमेंट की वजह से काओ मिल्क का कलर क्या होता है येलो होता है तो गाय का दूध तो पीला देखते हो ना बीटा कैरेटिन पिगमेंट की वजह से और भैंस का दूध सफ़ेद देखते हो क्यों कैल्शियम कैसिओनेट की वजह से ठीक है केसीन केसीन क्या होता है प्रोटीन होता है जो मिल्क में मिलता है ठीक है और ये ऑल ऑफ दी तो आंसर होगा ही नहीं ठीक है हाँ टोड़ा जो है साउथ इंडिया की ब्रीड है इसी के साथ साथ बेटा यहाँ पर हंसा टेस्ट भी हम डिटेक्ट करते हैं हंसा टेस्ट कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेता है हंसा टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है बेटा कि अगर गाय और भैंस के दूध को मिला मिला दिया जाए तो ये क्या करता है उसको डिटेक्ट करता है कि ये क्या है ये दूध मिक्सचर है ठीक है ये दूध क्या है मिलावट वाला है चलो अब आगे चलते हैं बेटा एवरेज काल्विंग इंटरवल ऑफ इंडियन ब्रीड इज अबाउट तो आपसे ये पूछ रहा है कि एवरेज काल्विंग इंटरवल जो होगा इंडियन ब्रीड्स का वो क्या होगा चार सौ तेरे चार सौ छियासठ से पांच सौ कि फोर से फाइव या फिर फोर से सिक्स होगा थ्री थ्री एटी सिक्स से सेवन थर्टी थ्री होगा या फिर टू सिक्सटी सिक्स से फाइव थर्टी नाइन होगा अब जल्दी से बता दो बच्चों राइट आंसर क्या होगा फटाफट से बता दो hmm. बताया हुआ है ना चलो वेरी गुड मैम विटामिन ए के कारण होता है पीला अच्छा विटामिन ए के कारण बेटा पिगमेंट की वजह से होता है ठीक है बेटा कैरेटीन जो पिगमेंट होते हैं इनकी वजह से होता है क्लियर चलो ओके निहारिका का आंसर आया है ए ठीक है किरण चौधरी सी आंसर करिए ठीक है और ऋतिक गजानन मृत्युंजय मनीष अमन पूजा ये बच्चे कह रहे हैं ए और डी कुछ बच्चे डी भी कह रहे हैं अमन का आंसर आया है डी ठीक है Uh, पूजा का तो आंसर आया है एक गजानन ज्योति लीजा पुलकित टेन टू ट्वेल्व मंथ ओके दस से बारह महीने शिवी पाठक का ये आंसर आया तो डेफिनेटली बेटा राइट आंसर हो जाएगा फोर सिक्सटी सिक्स टू फाइव थर्टी थ्री तो इंटरवल जो सॉरी uh, जो आपसे एवरेज कार्विंग पीरियड पूछा जाएगा एवरेज कार्विंग इंटरवल अगर आपसे पूछा जाएगा तो कितना होता है इंडियन ब्रीड्स का लगभग चार से पाँच तेतीस कितना होता है पांच सौ तेतीस तक होता है ठीक है अब देखो हरियाणा सिंधी हरियाणा रेड सिंधी और अंगोल ब्रीड जो है बेटा इनका ज्यादा होता है इंटरकाल्विंग पीरियड लेकिन साहिवाल थार पार्कर और दियोनी का क्या होता है बेटा कम होता है इनका ठीक है चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन है बेटा आपका अरे यार फॉर द एंट्री ऑफ कैटल हर्ड फॉर द एंट्री ऑफ कैटल हर्ड रजिस्टर्ड द केटल शुड बी इन ऑफ तो कैटल की एज कितनी होनी चाहिए कैटल हर्ड में एंट्री के लिए तो बेटा एटलीस्ट इसका छह महीने का एज होना चाहिए ठीक है चलो इसका आंसर तो पहले ही पता चल गया आगे चलते हैं लेंथ ऑफ हीट पीरियड ऑफ काउ तो बेटा गाय के हीट पीरियड का लेंथ कितना होता है यानी कि गाय का जो उष्मा काल होता है वो कितने समय का होता है कितने घंटों का होता है कितने दिनों का होता है अट्ठारह घंटे का होगा चौबीस घंटे का होगा दो से तीन दिन का होगा या फिर एक से तीन दिन का होगा जल्दी से बता दो बच्चों राइट आंसर क्या होगा हम्म अमन अमन का आंसर आया है डी ठीक है अजय कुशवाहा का आंसर आया है डी ठीक है निहारिका ने सिक्स अच्छा अमन पूजा आ, सी आंसर करेंगे बच्चे ओके ठीक है ठीक है ठीक है अब बताओ बेटा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ पुलकित सिक्स अच्छा जल्दी से बताओ तो बेटा राइट आंसर क्या होगा ऋतिक लीजा अमन सुधीर शुभम शिवी पूजा गजानन अजय पुलकित ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं सी राइट आंसर होगा ठीक है जगदीश सुमित देसी जॉनी नेहा पुलकित शिवी खुशी ये बच्चे सी आंसर करें ज्यादातर तो बेटा एटीन आवर्स हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपका कैटल्स के लिए तो गाय का अगर आप हीट पीरियड देखोगे बेटा तो काउस का हीट पीरियड जो है अट्ठारह घंटे का होता है चौबीस घंटे का नहीं होगा बेटा अट्ठारह घंटे का होगा चौबीस घंटे का होता है बफेलो उसका यानी कि गाय का कितना हो जाएगा अट्ठारह घंटे का हो जाएगा भैंस का हो जाएगा बेटा चौबीस घंटे का दो से तीन दिन का हो जाएगा बकरी का एक से तीन दिन का हो जाएगा भे, ये भेड़ का और तीन से पांच दिन हो जाएगा बेटा कैमल यानी कि ऊंट का समझे बच्चों समझ आ गई ये बात क्या क्या बताया मैंने आपको तो अट्ठारह घंटे का होता है बेटा गाय का चौबीस घंटे का होगा भैंस का दो से तीन दिन का होगा गोट यानी कि बकरी का एक से तीन दिन का होगा शिप का यानी कि भीड़ का और बाकी हो जाएगा कैमल का जो कि तीन से पांच दिन है ठीक है हाँ बिल्कुल 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 तो बेटा अट्ठारह घंटे का हो जाएगा ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अगला क्वेश्चन है डी बेकिंग ऑफ चिकन इन द एज इन द वीक्स तो बेटा जनरली अगर हम देखें तो डी बेकिंग जो है कितनी एज में करते हैं चिकन की बताइए वीक्स में पूछ रहा है आपसे 10 से 12 हफ्ते दो से तीन हफ्ते सात से आठ हफ्ते या चौदह से पंद्रह हफ्ते बताइए बेटा राइट आंसर क्या होगा बेटा ऑलमोस्ट ये हर किसी का अपना अपना वेरी करता है हर किसी का अपना अलग अलग होता है काउस का अलग होता है बफेलोज का अलग होता है गोट्स का अलग होगा शिप का अलग होगा हर किसी के लिए अलग अलग होता है और तुरंत हीट पीरियड के बाद हम मेटिंग नहीं करवाते हैं हीट पीरियड के एटलीस्ट पाँच छः घंटे तक हम रुकते हैं और फिर उसके बाद हम मेटिंग करवाते हैं ठीक है चलो पुलकित का आंसर आया है बी ठीक है अरे वाह शुभम त्यागी आज बड़े दिनों बाद सेशन में दिखाई दे रहे हैं ठीक है शुभम त्यागी का आंसर आया है बी ओके खुशी पुलकित अनिरुद्ध ओके अमन जगदीश लीजा पूजा ऋतिक गजानन बोनी झांसी ओके मनीष किरण ओके दान सिंह ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं बी राइट आंसर होगा बी राइट आंसर होगा पक्का दो से तीन दिन दो से तीन दिन हाँ जगदीश का भी आंसर आया है दो से तीन दिन ठीक है तो चलो बच्चों आंसर देख लेते हैं

प्लाई मोथ रॉक ब्रीड को किसके लिए जाना जाता है क्या वो एग प्रोडक्शन ज्यादा करती है क्या वो मीट प्रोडक्शन ज्यादा करती है दोनों ज्यादा करती है या फिर नन ऑफ दी अब होगा जल्दी से बता दो बेटा राइट आंसर क्या होगा हम्म hmm, जल्दी से बता दो बेटा वेरी गुड आफ्टरनून अनु वेलकम इन द सेशन बेटा चलो बताओ ओके uh, okay, बोनी झांसी का आंसर आया है बोथ ठीक है गजानन का आंसर आया है बी अमन का आंसर आया है मीट के लिए ओके सुधीर का भी आंसर आया है सी ठीक है शिवी पाठक मनीष अनु निहारिका किरण प्रिया ऋतिक ये सारे बच्चे कह रहे हैं बहुत आंसर होगा बी बी के बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ओके अमेरिका की फेमस ब्रीड है मीट के लिए मीट प्रोडक्शन ओके सुमित आस्था ओके नेहा सोनी अजय ज्यादातर बच्चे बी आंसर आंसर तो तो बेटा पर राइट हो जाएगा डेफिनेटली आपका बेस्ट मीट प्रोडक्शन तो रॉक ब्रीड की बात करें बेटा प्लाईमोथ रॉक ब्रीड जो है बेसिकली ये बेस्ट मीट प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है इसमें मीट प्रोडक्शन काफी अच्छा होता है ठीक है चलो आगे चलते हैं विच ब्रीड ऑफ गोट इज नोन एज क्वीन ऑफ मिल्क बेटा क्वीन ऑफ मिल्क कौन सी ब्रीड को बोलते हैं सेनन नुबियन अल्पाइन uh, या फिर एंग्लोनोबियन uh, जल्दी से बता दो बेटा राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का चलो फटाफट से बता दो बच्चों यहाँ पर राइट right आंसर क्या होगा हाँ कर्नाटका ब्रीड ब्लैक मीट ओके अच्छा अच्छा चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा राइट आंसर क्या होगा हाँ खुशी पटेल ने आंसर दिया है ए राइट आंसर होगा अच्छा क, कड़कनाथ है सॉरी मैं कर्नाटका ब्रीड पढ़ू कड़कनाथ है हाँ कर्नाटक कड़कनाथ ब्रीड बिल्कुल चलो uh, निहारिका का आंसर आया है ए ठीक है पूजा पासवान का भी ये आंसर आया है ऋतिक किरण अमन देसी नेहा, लेगहॉन नेहाइट प्रोडक्शन हाँ जी बिल्कुल जगदीश सुमित सिंह शिवी पुलकित आस्था अमन शिवी ओके 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 तो बेटा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सैनन कितना हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा सैनन हो जाएगा तो सैनन जो है बेटा स्विट्जरलैंड की ब्रीड है सेनन जो है ये स्विट्जरलैंड की ब्रीड है और इसी ब्रीड को क्या बोला जाता है क्वीन ऑफ मिल्क बोला जाता है क्या बोला जाता है बेटा क्वीन ऑफ मिल्क बोला जाता है ठीक है तो ये काफ़ी अच्छा दूध भी देती है सेनन ब्रीड ठीक है एग्जॉटिक ब्रीड है गोट की चलो आगे चलते हैं मॉइस्चर परसेंटेज ज इन हे इज तो बेटा हे में हे का मॉइस्चर परसेंट कितना होता है बीस से आ, दो से बीस होगा या फिर पंद्रह से बीस होगा पैंतालीस से पैंतालीस से उनसठ होगा या फिर साठ से अस्सी होगा जल्दी बताओ बच्चों राइट आंसर क्या होगा हाँ मैम सेनन कन्फर्म है हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने एक्ट प्रोडक्शन ओके हम्म अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ बेटा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बारबरी बारबरी शारी बकरी ओके अमन का आंसर आया है एक खुशी ने भी ये आंसर किया बोनी जासी पूजा शिवी किरण ओके सुधीर नेहा लीजा मनीष अनिरुद्ध शिवी ऋतिक देसी जॉनी गजानन आ, अनु नेहा प्रशांता ओके प्रशांता भी आ गए हैं वेरी गुड पुलकित अजय अमन ओके ज्यादातर बच्चे आंसर करें हैं सी बी आंसर होगा तो बेटा डेफिनेटली आंसर हो जाएगा आपका फिफ्टीन टू ट्वेंटी तो अगर बच्चों हम हे के मॉस्चर परसेंट की बात करेंगे कि हे का मॉस्चर परसेंट कितना है हाँ तो बेटा यहाँ पर आपका राइट right आंसर हो जाएगा पंद्रह से बीस ठीक है चलो आगे चलता है द टर्म यूज़ फॉर यंग फीमेल ऑफ पोल्ट्री तो बेटा जो यंग फीमेल है पोल्ट्री की उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं कॉकरेल यूज़ करेंगे पुलेट यूज़ करेंगे बोर यूज़ करेंगे या फिर हीफर यूज़ करेंगे अब जल्दी से बता दो तो बेटा कि जो यंग फीमेल होगी उसको क्या बोला जाएगा बताओ अच्छा प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो अदरवाइज मुझे तो जानते ही होंगे अरे वाह ये इसको बोलते हैं खुले <laughs> हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं तो मुझे तो जानते ही होंगे बिल्कुल चलो आ, साइलेज साइलेज क्या क्या, क्या पूछना चाह रहे हो बेटा बोनी झांसी का आंसर आया है बी ठीक है शिवी पाठक पुलेट गजानन आ, निहारिका किरण नेहा निशांत प्रिया शिवी पूजा ऋतिक ओके मनीष शशांक ज्यादातर बच्चे आंसर करें बी राइट आंसर होगा बिल्कुल बेटा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका पुलेट क्योंकि कॉकरेल हम किसको बोलते हैं बेटा मेल को बोलते हैं ठीक है ठीके? जो मेल होता है उसको बोला जाता है कॉकरेल लेकिन जो यंग फीमेल होती है यंग फीमेल होती है जिसके अभी बेबीज नहीं हुए हैं उसको पुलेट बोला जाता है और जब उसके बेबीज हो जाते हैं एक बार तो उसको हैन बोला जाता है क्या बोला जाता है बेटा हैन बोला जाता है ठीक है चलो अब आगे चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन है प्यूबर्टी पीरियड ऑफ कैमल इज कैमल का प्यूबर्टी पीरियड कितना होता है चौबीस से चालीस घंटे होगा अट्ठाईस से तीस घंटे होगा आठ से दस घंटे होगा या फिर थर्टी सिक्स टू फोर्टी एट आवर्स होगा तो बेटा अल्टीमेटली अगर हम बात करें प्यूबर्टी पीरियड ऑफ कैमल की कितने महीने का प्यूबर्टी पीरियड होता है कैमल का जल्दी से बता दीजिए बेटा राइट आंसर क्या होगा फटाफट से बताओ बच्चों Hmm, खुशी का आंसर आया है बी बोनी झांसी का आंसर आया है डी ठीक है आ, गजानन का आंसर भी आया है डी ओके पूजा पासवान निहारिका हर्षित शिवी पाठक ये बच्चे कह रहे हैं थर्टी सिक्स टू फोर्टी एट ऋतिक डांसिंग किरण ओके ओके ओके, ओके निशांत पूजा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड तो जितने बच्चे थर्टी सिक्स टू फोर्टी एट आंसर करें बेटा आपका आंसर बिल्कुल सही है थर्टी सिक्स टू फोर्टी एट तो अगर हम हीट पीरियड की बात करेंगे बच्चों तो हीट पीरियड जो है कितने महीने का होता है छत्तीस से अड़तालीस महीने का थर्टी सिक्स टू फोर्टी एट मंथ का होता है अच्छा अगर हम काउस की बात करें तो काउस का कितना होता है बेटा ट्वेंटी फाइव टू थर्टी मंथ होता है ठीक है पच्चीस से तीस महीने होता है बफेलोज का कितना होता है बेटा इनका होता है अट्ठाईस से तीस महीने कितना होता है बेटा अट्ठाईस से तीस महीने तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है बच्चों क्लियर चलो तो बच्चों आज का हमारा सेशन यहीं पर कंप्लीट हुआ आप लोग के कहने पे आज मैंने कुछ एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन भी रखे थे तो बेटा आज की क्लास हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं आज फ्राइडे है कल हमारा रिविजन क्लास होगा तो कल हम लोग पूरे वीक का रिविजन करेंगे फिर मंडे से हम लोग एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट कर देंगे तो बेटा जितने भी बच्चे एनिमल हस्बेंड्री को अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हो प्लांट पैथोलॉजी अच्छे से पढ़ना चाहते हो कि भाई हमारे बेसिक भी क्लियर हो जाए इसके बाद अगर हमने जे निकालना है आई का या कोई भी एग्जाम अगर हमें निकालना है तो बेटा उसके लिए आप बेसिक से प्लांट पैथोलॉजी मेरे इस जुनून बैच में पढ़ सकते हो और साथ ही साथ बेटा आप इसमें मेरा जो एनिमल हस्बेंड्री का बैच है बेसिक से आप उसको भी पढ़ सकते हो ठीक है तो बेटा इस बैच में इनरोल करने के लिए आपको क्या करना है वाई चार कोड लगाना है बेटा ताकि आपको इसमें एटी डिस्काउंट मिल जाए ठीक है एटी परसेंट डिस्काउंट मिल जाए और दूसरा बेटा अभी ये है डबल वैलिडिटी पर तो अगर अभी आप लेते हो तो ये डबल वैलिडिटी पर है तो आप काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए आप इस बैच को यूज़ कर सकते हो अपना सिलेक्शन होने के बाद आप आप इसको अपने फ्रेंड को भी हेल्प कर सकते हो है ना मैम मैराथन कब है बेटा मैराथन है संडे को ग्यारह बजे से तो ग्यारह बजे से मैराथन जो है संडे को उसमें आपको सबको जरूर आना है ठीक है तो बेटा आपको इनरोल कैसे करना है इस बैच में तो इनरोल करने के लिए बेटा आप देख लीजिए आपको जाना है गूगल पे डायरेक्टली गूगल पे जब जाओगे तो अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पर जाना है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की वेबसाइट खुल गई जैसी बेटा ये वे, 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 वेबसाइट खुलेगी आपको यहाँ पर क्लिक करना है लार्जेस्ट वनाकुल प्लेटफॉर्म पे शैलेंद्र आईसीआर की वैकेंसी कब आ रही है बेटा जब भी आएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा डोंट वरी ठीक है अब देखो बेटा विंडो ओपन हो गई पूरी की पूरी ऑल कोर्सेज में आप गए ऑल कोर्सेज में एग्रीकल्चर चूज किया अब एग्रीकल्चर चूज करने के बाद बेटा ये फाउंडेशन क्लासेस आ गई एग्री कल जो फाउंडेशन क्लासेस फाउंडेशन क्लासेस का नाम इसीलिए बेटा क्योंकि इसमें बेसिक से और पूरे अच्छे लेवल तक आपको सारी चीजें करवाई जाती हैं ठीक है ठीके? आप गए यहाँ पर आपको यहाँ पर व्यू ऑल करना है बेटा व्यू ऑल जैसे व्यू ऑल किया ये नीचे आपके पास आ गया जुनून मैच जुनून मैच में आप गए यहाँ पर जुनून बैच में आपको क्या क्या मिलेगा बेटा तो इसमें आपको मिलेंगी क्लासेस आपकी ऑनलाइन क्लासेस ठीक है और साथ में आपको इसमें कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी बेटा कूपन कोड लगाना है वाई चार सौ सैतालीस ए वाई फोर फोर सेवन ए तो छह सौ उनचालीस रुपए में आपको ये पूरा बैच मिल जाएगा डबल वैलिडिटी के साथ ठीक है तो वाई फोर फोर सेवन ए कूपन कोड लगाना है बेटा आपको इसके लिए ओके मैम मैं आप का न्यू न्यू स्टूडेंट हूँ आज से हाँ हाँ अमन बिल्कुल बिल्कुल बेटा हम डेली दो से तीन बजे इसी टाइम पे प्रिपरेशन करते हैं इसी टाइम पे जुनून की हमारी क्लास होती है तो आपको डेली इसी टाइम पे आना है जुनून की क्लास में ठीक है चलो और बेटा अगर आप किसी और अगर आप आई बी पी एस एस ओ की तैयारी कर रहे हो अगर आपको कंप्लीट आई बी पी एस एस ओ का बैच चाहिए अगर आपको ये चाहिए यार कि मैम मुझे बाकी क्लासेस भी चाहिए तो बेटा इसके लिए आप क्या कर सकते हो अगेन आपको एग्रीकल्चर पे जाना है ऑल कोर्सेज पे जाके एग्रीकल्चर पे गए बेटा डायरेक्टली आप चले जाओ एग्रीकल्चर महापैक पे भाई महापैक अभी डबल वैलिडिटी पर है महापैक अभी डबल वैलिडिटी पर है डबल वैलिडी बेटा बारह महीने और छः महीने के लिए है ठीक है तो आपको दो साल या एक साल के लिए पूरा मिल जाएगा बैच ठीक है अब

आपको डायरेक्टली क्या करना है बाइनाव पे जाना है सिंपली बाई नाव पे जाने के बाद आपको क्या करना है वाई फोर फोर सेवन ए ये कूपन कोड आप अप्लाई कर लोगे और आपको छः हज़ार तीन सौ निन्यानबे रुपये में आपको कंप्लीट ये बैच मिल जाएगा और बेटा अगर आपको स्पेसिफिकली आई बी पी एस एसओ की तैयारी करनी है तो अगेन एग्रीकल्चर पे जाओ ये रहा आपका आई बी पी एस एसओ का बैच थर्ड नंबर पे इस पे गए इसमें, इसमें बेटा आपके दो बैच है एक है सिर्फ मेन्स का एक है प्री और मेन्स का तो बेटा आपको इनरोल कैसे करना है वैसे प्री और मेन्स वाला ज़्यादा बेटर है अगर आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो तो प्री और मेंस ज़्यादा सही है क्योंकि भाई जब हमारा प्री निकलेगा तभी तो हम मेंस पे जाएंगे सिंपली बाई पे जाओ बाईनाव पे जाने के बाद वाई चार सौ सैंतालीस कूपन कोड लगाओ और यहाँ पर आपको तीन हजार दो सौ निन्यानबे में ये कंप्लीट बैच मिल जाएगा जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी बेटा इसमें आपको पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करे जाएंगे और कभी भी आपको गाइडेंस चाहिए तो फैकल्टीज आपको टाइम बाय टाइम गाइड भी करते रहेंगे ठीक है जब भी आपको ये लगे कि यार मैं तैयारी कैसे करूँ मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो बेटा फैकल्टीज आपको इसमें गाइड भी करेंगे ठीक है तो आपको क्या करना है बेटा सिंपली आपको यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करना है वाई चार सौ सैंतालीस ए ठीक है वाई चार ए ये कूपन कोड आपको यूज़ करना है और इस कूपन कोड पर बेटा आपको 80 परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा तो डेली बेटा आपको जुड़े रहना है अपनी जुनून क्लास में जो कि हमेशा होती है दो से तीन बजे और इसमें आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो तो बाय गाइस थैंक यू हैव ए नाइस डे